सर, तो मैंने 2021 में अपना बी एलएलबी ऑनर्स कंप्लीट किया था गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर से, एंड सिंस देन मैं प्रिपेयर कर रही हूँ सिविल सर्विसेज के लिए. लास्ट ईयर मैंने जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था और साथ ही साथ मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही थी. ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था यूपीएससी में एंड आई एम वेरी थैंकफुल. जी सर, मेरा मेन एम तो हमेशा से यूपीएससी सिविल सर्विसेज ही रहा है, तो उसी के दौरान मैंने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सिविल सर्विसेज का भी एग्जामिनेशन दिया था. तो आई वॉज इन द प्रोसेस ऑफ यूपीएससी ऑल्सो, क्योंकि आफ्टर आई क्वालिफाइड द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मैंने यूपीएससी का मेन्स लिखा, और फिर वाइल आई वॉज अंडर गोइंग ट्रेनिंग, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो मैंने जो अपना पर्सनैलिटी टेस्ट है यूपीएससी का वो अभी ट्रेनिंग के दौरान ही दिया. अच्छा, जी जी. तो जो लोग जो जम्मू कश्मीर में है उसमें कितना आपका आया था रैंक? सर, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक था. अच्छा, उसमें भी आप टॉपर थे? जी सर, थैंकफुली. तो अभी इसमें सेवंथ आपका रैंक आया ओवरऑल? जी सर. तो किस तरह की तैयारी, सब यही पूछते किस तरह की तैयारी रही, क्या क्या आपने पढ़ाई की, कैसे इसको अटेम्प्ट किया? सर, तैयारी वही है जो सब टॉपर्स हमेशा से बोलते आते हैं. मेरी तैयारी भी उसी का मिक्स एंड मैच था. कोचिंग मैंने कोई नहीं ली, बट जो मटेरियल, जो बेसिक सोर्सेस सब टॉपर्स सजेस्ट करते हैं, मैंने भी वही फॉलो किया था. जो बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट हैं, वो सब दिए थे. मेन्स के लिए मेरी ज्यादा तैयारी रही थी, बिकॉज लास्ट टाइम मैं मेन्स दो मार्क्स से ही मिस कर दिया था इंटरव्यू कॉल. तो इस बार मेरा फोकस था कि मैं मेंस पे ज्यादा वर्क करूं, अपनी आंसर राइटिंग को रिफाइन करूं, तो वो मेरा ज्यादा फोकस उस पर रहा. और फिर फाइनली ट्रेनिंग के दौरान जो मैंने अपना पर्सनैलिटी टेस्ट का प्रिपरेशन किया, उसमें मेरा ध्यान था कि मैं करंट अफेयर्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करूं और अपने ऑप्शनल पे जो कि लॉ है उसे भी रिफाइन करूं. बचपन से बताएं कैसे, क्या स्कूल से ही था कि यूपीएससी करेंगे, स्कूलिंग कहां हुई है? सर, मेरी मैं बिलोंग करती हूँ भद्रवाह से, बट मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो किश्तवाड़ से रही है, जहाँ मेरे पेरेंट्स पोस्टेड थे. जी, तो मैंने क्लास 5 तक वहीं पे पढ़ाई की है. उसके बाद मेरे पेरेंट्स की पोस्टिंग जम्मू हो गई, तो आई ऑल्सो शिफ्टेड हियर. चैलेंजेस वैसे तो कुछ खास रहे नहीं, बट यही है कि जब आप शिफ्ट करते हैं कितने रिमोट और बैकवर्ड एरिया से टू जम्मू, तो वो थोड़ा चैलेंजेस तो रहते हैं, बिकॉज एक हिंदी मीडियम स्कूल से आप डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा अकेडमिक का भी डिफरेंस होता है, अकेडमिक्स का. वो सब चैलेंजेस रहे, बट मन में हमेशा से यही था कि मैं कोई ऐसी जॉब ज्वाइन करूं जहां पे मैं पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रहूं रादर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. क्योंकि बचपन से ही मुझे ये, मैं अपने पेरेंट्स से पूछती थी कि ये प्रॉब्लम ऐसी क्यों है, सड़क क्यों है खराब, या हमारे घर में क्यों नहीं है टेलीफोन का कनेक्शन, तो वो कहते थे कि प्रॉब्लम मत बनो, सोल्यूशन बनो, डीसी बन के करना खुद सॉल्व, तो वो मुझे ऐसे बोलते थे. तो फिर वहां से मेरे दिमाग में आया कि चलो लेट्स ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. कहीं ना कहीं आपको लगता है जो आप बहुत दूर दराज में रहे किश्तवाड़ में, तो वहां पहाड़ी था, कहां भी प्रॉब्लम थी, तो वही कहीं आपके मन में आ गया था कि मैं इसमें जाऊंगी और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी? डेफिनेटली सर, जो मैंने बचपन में देखा कि काफी बैकवर्ड एरिया था, और उस टाइम पे तो एक ये भी था कि बहुत ऑफन कर्फ्यूज लग जाते थे, तो स्कूल्स बंद रहते थे. तब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, क्यों स्कूल बंद है, हम क्यों नहीं स्कूल जा रहे हैं. तो वो सब हमेशा से हम पढ़ते थे कि अच्छा डीसी का ऑर्डर आया तो कर्फ्यू लग गया, ये हो गया. तो मैं पूछती थी ये क्या है, ये क्यों है. तब मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये हमारा जो सोल्यूशन प्रॉब्लम का जो है, या कोई भी इश्यू अगर रिजोल्व करना है, तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. सो आई थिंक वहां से दिमाग में था कि